नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं पड़ताल। आज की पड़ताल में 28 तारीख दिन शनिवार कांग्रेस का 135वां अधिवेशन था। इसी दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ आई हुई थी और सीए प्रोटेस्ट कर्मी के घर जाकर मिल भी रही थी कि वो उनका पूरा काफिला इसी रास्ते से होते पॉलिटेक्निक की तरफ बढ़ रहा था। ये वही स्कूटी है जिस स्कूटी से प्रियंका गांधी पॉलिटेक्निक की तरफ बढ़ रही थी। स्कूटी को राजस्थान कांग्रेस विधायक धीरज गुर्जर चला रहे थे। ना तो धीरज गुर्जर ने और ना ही प्रियंका गांधी ने हेलमेट पहना था। यही वजह रही कि पुलिस ने 6100 रुपए का इस गाड़ी का चलान काट दिया। इसी रास्ते से पॉलिटेक्निक की तरफ बढ़ रही थी। आज उस जिसकी स्कूटी थी उस स्कूटी मालिक से हम बहुत सारी बात करेंगे कि आखिर क्यों 6100 रुपए का चलान कर दिया गया। सबसे पहला सवाल ये होगा कि सर 6100 रुपए की चलान कुछ कम तो नहीं है? ज़्यादा है, आवश्यकता से ज़्यादा है, लेकिन कोई हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डिसीजन लिया है लखनऊ पुलिस ने वो सही है। लेकिन अगर बात करें सर, ये स्कूटी थी चलान की, वो बिल जो है वो चीज़ मेरे हाथ में है। ड्राइविंग लाइसेंस ना होने के लिए 2500 रुपये काटा गया, 300 रुपये, हेलमेट ना पहनने के लिए 500 रुपया। चलिए ठीक है, उस दौरान हेलमेट जो है नहीं था। ख़राब नंबर प्लेट के लिए 300 रुपये। हमारी गाड़ी बिल्कुल नई उसकी है, आज भी नंबर प्लेट बिल्कुल चमक रहे हैं, आगे और पीछे है, पीछे के नंबर हमारे बिल्कुल स्पष्ट हैं। लेकिन अब चूंकि जो निर्णय लिया गया है, ठीक है, जब 6700 की बात 6300, तो 300 रुपये कोई माने नहीं रखता है, वो भी दे देंगे सब, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर कैसे कैसे, हालांकि जिनके नाम की गाड़ी है उनके पिताजी हैं राजदीप सिंह, ये हैं इनकी इनकी उनके नाम से गाड़ी है और यही जो है इसी तरफ से आ रहे थे जिस दौरान जो है प्रियंका गांधी का जो है काफिला गुजर रहा था उसी दौरान। कैसे आपसे क्या हुआ कि आपने गाड़ी दे दिया? जी, मैं यहाँ से पॉलीटेक्निक के लिए जा रहा था, तभी इनका काफिला रुका था, तो इन लोग आगे की ओर पैदल पैदल प्रियंका माननीय प्रियंका जी बढ़ रही थी, तो मैं साइड से निकलने की कोशिश की मैंने, पर एकदम से जो इनके साथ हैं पूर्व विधायक जी हैं राजस्थान के, हाँ। श्री धीरज गुर्जर जी, तो उन्होंने एकदम से मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर मुझे गाड़ी, मतलब आप मुझे प्लीज़ गाड़ी स्कूटी अपनी दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने किसी और से भी बोला होगा, कई लोगों से नहीं दिया होगा किसी ने, लेकिन तो मैंने मानवता के रूप पर मैंने स्कूटी अपनी दे दी, क्योंकि प्रियंका गांधी जी जिस परिवार से हैं, तीन तीन प्रधानमंत्री रहे उनसे, तो मैं उनको मना तो नहीं कर सकता बिल्कुल। अगर उनकी जगह योगी जी मोदी जी भी होते तो मैं उनको भी नहीं मना करता। तो बस यही सोच के मैंने अपनी स्कूटी उनको दे दी। फिर वो बड़ी आपकी आपके स्कूटी की बड़ी चर्चाएं चल रही हैं इस समय। आप पूरे मतलब पूरे भारत में मुद्दा बना हुआ है कि ये स्कूटी से प्रियंका जो जी जो जा रही थी। अब इसमें तो क्या कहूँ, मैं तो वहाँ से निकल रहा था भाई, मुझे तो किसी पार्टी से कोई मेरा ताल्लुकात तो है नहीं, ना मेरे परिवार का ना हम में किसी का, तो मैं तो वहाँ से निकल रहा था अपने पॉलिटेक्निक जाने के लिए, तो एकदम से अब उन्होंने रिक्वेस्ट की तो मैंने दे दिया। जानकारी मिल जहाँ तक मिल पा रही है कि प्रियंका जी ने कहा है कि स्कूटी का जो भी चलान किया गया है वो जो है वो भरने के लिए कहा उन्होंने, कैसी खुशी जाहिर कर रहे हैं? अब प्रियंका गांधी जी ने बोला है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन हमने तो पहले ही बोला है कि हम भरेंगे, क्योंकि गाड़ी जिसकी तो दायित्व उसका ही बनता है देखा जाए तो, जो चलान भरने का। आपने तो मानवता निभाया ना? हाँ, तो मानवता निभाया तो अच्छी बात है, ये तो भाई हमारे संस्कार हैं। क्या कोई सिखाया गया है? कोई नेता आपसे जो है किसी भी तरीके से कोई मिलने के लिए आया कांग्रेस का? हाँ जी, दूसरे दिन कांग्रेस से ऑफिस से एक सज्जन आए थे, तो उनसे बातचीत हुई, उन्होंने हालचाल लेने के लिए वो हमारे घर आए थे, क्या सब ठीक है, तो हमने भी यही बोला कोई दिक्कत नहीं है, कोई जुर्म थोड़ी ना किया है, हमने तो मदद की है, तो डरने की क्या बात है, तो सिर्फ चलान है। आज मैं अगर बात करूं सोशल मीडिया और अन्य अखबारों और न्यूज़ चैनलों पे, कल से तो परसों से यही मुद्दा बना हुआ है और ख़ास करके आपकी गाड़ी चर्चा में है, काफ़ी चर्चा में है, ऐसे में आप खुशी जाहिर किस तरीके से? खुशी तो हाँ भाई कि हाँ मैंने मदद की
और उसके बदले चलान हुआ। मदद की खुशी है और चलान का दुख भी है। अब दुख तो नहीं है हमको, खैर दुख हो, खुशी है हमको। जिस फॉर्मेट में चलान किया गया, शायद ये मतलब कुछ ऐसी चीज है, जैसे कह दिया गया कि आपके गाड़ी का फॉन्ट ठीक नहीं है, कुछ साफ सुथरा नहीं दिख रहा था। नहीं जी, जैसी नंबर प्लेट उस समय थी आप स्वयं देख सकते हैं, जैसी थी वैसी ही है और एकदम दोनों तरफ से विजिबल है। आप एकदम इसको बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, जो भी संख्या है गाड़ी के नंबर हैं तो आप बहुत आसानी से पढ़। कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता ने आपसे बातचीत की इस सिलसिले पर? अब अभी तो नहीं हुई है मेरी बात। खैर ये वही गाड़ी है जिसपे जो है मैं दिखाना चाहता हूँ, मेरे हाथ में एक फ़ोटो है, ये है, ये वही गाड़ी है, वही स्कूटी है जिसपे प्रियंका जी बैठ के जो है उनका ये काफिला इस तरफ पॉलिटेक्निक की तरफ बढ़ रहा था और इसी तरफ जा रही थी। प्रियंका जी जो पीछे बैठी थी और कांग्रेस के एक विधायक राजस्थान से जो है गाड़ी को चला रहे थे, उसी दौरान 6100 रुपये की जो है चलान काटी गई थी। और ये उनके परिवार के लोग हैं, रणदीप जी भी हैं जिनके नाम जो है गाड़ी है, उन्होंने जिस तरीके से बात अपनी बताई कि मैं खुशी भी जाहिर करता हूँ जिस तरीके से मानवता के साथ मैंने उस गाड़ी को दिया, और दुख बस इस बात का है कि कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादती तो चलान में हुई है।